साइड CIDE एक बेसिक वर्ड होता है, ऐसे लगते ही ये प्लूरल हो गया। साइड का मीनिंग होता है किलिंग या मर्डर, किसी का हत्या कर देना, मर्डर कर देना साइड से रिलेटेड होता है। ये बेसिक वर्ड है, जिस भी वर्ड के अंत में साइड वर्ड जुड़ा हुआ होगा वो उस वर्ड का मतलब आपको किलिंग से रिलेटेड होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, वोकैबुलरी का सेगमेंट मैंने स्टार्ट किया हुआ है और ये 7th वीडियो है। इससे पहले 6 वीडियो मैं बना चुकी हूँ जो मैनिया, फोबिया, डॉक्टर्स, एंग्री मैन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इन जो सेगमेंट मैंने चलाया हुआ है यहाँ से वोकैब हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, चाहे वो UPTGT, PGT, KVS, IAS, PCS, बैंक, SSB, जो भी एग्ज़ाम है जिसमें इंग्लिश आती है, यहाँ से ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो पूछा ना गया हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो जो है वो आप जानते हैं साइड के ऊपर होने जा रही है, यानी मर्डर के ऊपर होने जा रही है। मर्डर से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं इस वीडियो में आप देखेंगे। आइए चलते हैं अपने इन वर्ड्स की ओर। अपने वर्ड्स की ओर बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर बाद में आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपको इस वीडियो हेल्पफुल होने जा रही है। फर्स्ट वर्ड है एपिसाइड। एपी, अब देखिए साइड जो वर्ड होता है वो तो मर्डर के लिए आएगा, तो मैं बता चुकी हूँ। एपी जो वर्ड है वो बी से रिलेटेड होता है, बी यानी मधुमक्खी। द किलिंग ऑफ बीज, जो मधुमक्खियों का मर्डर होता है, उन्हें किल करते हैं, मारते हैं, उसे बोलते हैं एपिसाइड, यानी मधुमक्खी का जो हत्या होती है, मर्डर होता है, वो कहलाता है एपिसाइड। सेकेंड वर्ड है एविसाइड। तो एवी जो एवी वर्ड होता है ना, वो एवियरी यानी एक उड़ने के से रिलेटेड वर्ड होता है। एवियरी वर्ड होता है ना, जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं उससे संबंधित होता है। तो एवियर जो वर्ड हो गया वो बर्ड से रिलेटेड हो गया। तो द किलिंग ऑफ बर्ड्स, जो पक्षियों को मारा जाता है, जो किलिंग की जाती है, वो कहलाती है एविसाइड। अब इन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर एपी API और यहाँ पर AVI, तो अंतर क्या आया, सिर्फ पी और वी का अंतर आया है। तो पी हो गया बी से और वी हो गया बर्ड से। तो एक चीज़ क्लियर हो गई आपकी। थर्ड है आपका, ये जो वर्ड्स है ना, इस तरह के एग्ज़ाम में बड़े कंफ्यूज क्रिएट करते हैं, कंफ्यूजन रहता है कि जब चार ऑप्शन एक सामने आपके सामने होते हैं ना, तो वहाँ समझ में नहीं आता कि ये एपिसाइड बी के लिए है या एविसाइड जो है बर्ड्स के लिए है। इसलिए मैं साथ साथ हम बता के चली हूँ, पी जो है बी के लिए है और वी जो है आपके बर्ड्स के लिए है। कैनिसाइड, द किलिंग ऑफ डॉग्स, तो जो कैनी वर्ड है ना, आप देखो ना, कैनल से रिलेटेड होता है, कैनल से लिया गया है, डॉग्स कहाँ रहते हैं, इस तरह से जो वर्ड है ना वो कैनल वर्ड है, वहीं से कैनी वर्ड उठाया। तो कैनिसाइड यानी द किलिंग ऑफ डॉग्स, जो डॉग्स की किलिंग होती है वो कैनिसाइड कहलाती है। जर्मिसाइड, ये बहुत ईजी वर्ड है आपको याद करने के लिए। जर्मी वर्ड जो है जर्म से आया है, तो जर्म्स आपको याद है ही, तो जर्म से जर्मिसाइड यानी द किलिंग ऑफ जर्म्स, तो कहलाता है जर्मिसाइड। अब आता है हर्पेटिसाइड, द किलिंग ऑफ स्नेक्स, जो सांपों की हत्या होती है, उसे मारना होता है, उनको कहलाते हैं हर्पेटिसाइड, हर्पेटिसाइड। अब आते हैं इंसेक्टिसाइड। आप सब इंसेक्ट सभी जानते हो कि इंसेक्ट्स क्या होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, तो उन्हें मारने वाला क्या होता है, इंसेक्टिसाइड। 7th नंबर है पेस्टिसाइड, ये सभी जानते ही हैं, द किलिंग ऑफ पेस्ट, ज़्यादातर तो जो है खेती में यूज किया जाता है पेस्टिसाइड। एंड फिलीसाइड, द किलिंग ऑफ वंस चाइल्ड, किसी के बच्चे को मारना जो कहलाता है वो फिलीसाइड कहलाता है। द किलिंग ऑफ वंस चिल्ड्रन, जो किसी के बच्चे को मारना फिलीसाइड, FILI, फिली। फ्रेटरीसाइड, फ्रेटरीसाइड क्या होता है, देखिए यहाँ पर ब्रदरहुड के जो वर्ड होते हैं ना, फ्रेटर्निटी बोला जाता है, वही वर्ड वहाँ से लिया है, द किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, किसी के भाई को मारना। तो यहाँ पर साइड तो है ही मर्डर के लिए, तो फ्रेटी, तो फ्रेटी क्या वर्ड जो यहाँ से लिया है, फ्रेटर्निटी से लिया है, भाईचारा से लिया है। तो जो किस भाई के मर्डर की किलिंग करने वाला क्या कहलाता है, फ्रेटरीसाइड। अब आता है जीनोसाइड, जीनो जो वर्ड है वो रेस ऑफ पीपल, यानी व्यक्तियों की जो रेस होती है, उनकी जो जाति होती है, उससे रिलेटेड होता है, उसको मारने वाला, पूरी ही व्यक्ति की जाति को ख़त्म करने वाले को हम क्या कहते हैं, जीनोसाइड। होमिसाइड, अब मैंने कई बार इससे पहले जो वीडियो आई है उसमें भी ये वर्ड आ चुका है कई बार। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरी जो वीडियो नहीं देखी है वो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे चुकी हूँ सभी वीडियो के लिए। अगर आप क्रम वाइज मेरी सारी वीडियो को देखते हो तो हर वीडियो में आपको पहली वीडियो से रिलेटेड वर्ड्स मिलेंगे, जो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद करता है, आपको रटना नहीं पड़ेगा। ये सेगमेंट मैंने आपको इसलिए ही चलाया हुआ है कि आप वोकैब को समझे,
से, क्योंकि वो कैब ना आपस में इतनी मिलती जुलती होती है, जब एग्ज़ाम में एक प्रेशर होता है और हमारे सामने जब वो कैब आती है ना, तो कहते कई बार कहते कि मैं तो वो क्वेश्चन याद था लेकिन जल्दी में कन्फ्यूजिंग में मैं जो है क्वेश्चन गलत कराया। उसका रीज़न यही होता है कि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, हम जस्ट रट कर वोकैबलरी को लर्न करते हैं। हमें रटना नहीं है, समझना है। जब तक मैं अपनी वोकैब का सेगमेंट पूरा करूँगी, आप देखिएगा आपकी बहुत सारी जो वोकैब है ऑन फिंगर होगी, और आपकी ऑन फिंगर भी ना हो, आप जैसे ही आपके सामने वोकैब आती है तो आप उनका आंसर बहुत ईजी निकाल कर ले आओगे। तो यही मेरा ऑब्जेक्ट है कि आप एग्ज़ाम में कोई भी वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चन गलत ना करके आए। और माय डियर स्टूडेंट्स, आप चैनल को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आपके सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है मुझे, आप मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी हेल्प करेंगे। होमिसाइड द किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो होमी है वो ह्यूमन से रिलेटेड है, तो जाहिर सी बात है साइड हो गया तो ह्यूमन बींग्स की किलिंग से रिलेटेड हुआ। इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटी जो इन्फेंट वर्ड इन्फेंटी आया, जो इन्फेंट से रिलेटेड होता है, इन्फेंट होते जो नवजात शिशु होता है, जिसका जन्म अभी होता है ना, उसे हम इन्फेंट बोलते हैं। तो द किलिंग ऑफ वंस इन्फेंट, किसी भी नवजात शिशु की जो मर्डर करना होता है वो इन्फेंटिसाइड होता है। मैट्रिसाइड द किलिंग ऑफ वंस मदर, अब ये वर्ड बहुत ईजी है लर्न करना, मदर से ही आता है मैट्रिसाइड। तो आप द किलिंग ऑफ वंस मदर, जहाँ मैट्री आया तो मदर से आप रिलेट कर लोगे, तो द किलिंग ऑफ मदर्स। पैरेरीसाइड, अब पेरेंट्स, अब पेरेंट्स होते हैं ना, पेरेंट्स से वर्ड यहाँ पर ले लिया पैरेरीसाइड, बहुत आसान है, मैंने इसी तरह से इसको लिंक करके लर्न किया था। पैरेरीसाइड द किलिंग ऑफ वंस पेरेंट्स। अब आता है पैट्रीसाइड, पैट्रीसाइड, देखो वहाँ मैट्रीसाइड था फादर मदर की तरफ से, अब यहाँ पैट्रीसाइड है पैट्री यानी फादर की तरफ से, तो द किलिंग ऑफ वंस फादर। ये दोनों वर्ड जो है, मैट्री जो है मदर के लिए यूज़ किया जाता है, पैट्री जो है फादर के लिए यूज़ किया जाता है, इस तरह से साइड जुड़ते ही तो किलिंग हो गया मदर और फादर के लिए। पॉपुलरी साइड, ये भी बहुत आसान है क्योंकि पॉपुलेशन से इस वर्ड को लिया है और साइड मर्डर हो ही गया, द किलिंग ऑफ पॉपुलेशन पॉपुली साइड। अब बात करते हैं रेजिसाइड, रेजिसाइड जो वर्ड, रेजी जो वर्ड लिया गया है वो किंग से रिलेटेड होता है, एज यू नो वेरी वेल, बड़े अच्छे से जानते हैं रीजन, जो रीजन होता है राज्य होता है उसी से वर्ड उठाया है। द किंग, द किलिंग ऑफ किंग, राजा की हत्या करना जो होता है, मर्डर करना जो होता है वो रेजिसाइड होता है। सोरोरीसाइड द किलिंग ऑफ वन सिस्टर, सिस्टर से ये आप इस वर्ड को लिंक कर सकते हो, सिस्टर सोरोरीसाइड, जो सिस्टर की हत्या करने वाला होता है वो सोरोरीसाइड कहलाता है। सुसाइड, आई थिंक सबको पता है द किलिंग ऑफ वन सेल्फ, खुद को मारना ही सुसाइड है। अब बात करते हैं उग्जोरीसाइड, एक वर्ड होता है उग्जोरियस, जिसका मीनिंग होता है जो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता है, अब वहीं से इस वर्ड को उठाया है ना, उग्जोरी, ओग्जोरियस से ओग्जोरी वर्ड ले लिया और साइड दिया है, तो इसका मतलब होगा द किलिंग ऑफ वंस वाइफ। मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ कि एक ही वर्ड को लेकर आप कई तरीके से वर्ड बना सकते हैं, तो ये ओग्जोरियस था, ओग्जोरियस वर्ड होता है जो अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता है, तो वहाँ से वर्ड लिया ओग्जोरी और साइड लगाते ही वो क्या हो गया, जो अपनी वाइफ की हत्या जो करते हैं उसको बोलते हैं उग्जोरी साइड।